धनबाद के कोलांचल में 72वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी संस्थाओं व कार्यालयों में झंडा तोलन किया गया। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां उपायुक्त एडोडे, एसएसपी मनोज रतन चौथे, सिटी एसपी पीयूष पांडे, एसपी एसडीओ समेत कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। उपायुक्त एडोडे ने ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी। इस मौके पर जिला पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जैप और एनसीसी के छात्रों ने परेड किया। उपायुक्त एडोडे, एसएसपी मनोज रतन चौथे ने परेड की सलामी ली। संयुक्त परेड की कमान संभाल रहे हैं परेड कमांडर सार्जेंट ओम प्रकाश दा, सार्जेंट सिल्वेस्टर वा। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को शानदार परेड करने वाले प्लाटून को सम्मानित किया गया। सभी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। पहचान प्राप्त किया है एनसीसी बॉयज ने, सेकेंड एनसीसी गर्ल और थर्ड गाइड। एनसीसी बॉयज, एनसीसी गर्ल्स, लैटिन कमांडर एनसीसी अपना पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद धनबाद के उपायुक्त एडोडे ने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के 5 प्रखंडों को खुले में शौच मुक्त कराया जा चुका है। कई प्रखंडों में शौचालय निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 31 अगस्त तक शौचालय निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। धनबाद को ODF घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ पेयजल को लेकर बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है। और नियरली 18,000 घरों में शौचालय निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे 21 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। चौथान जिला के सभी प्रखंड खुले में स्वच्छ मुक्त हो जाएगा। धनबाद नगर के जमीन को ODF घोषित किया जा चुका है। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए भी बड़े पैमाने पर
पहुंचा था। ये 15 मंथ से 857 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट राष्ट्रपति योजना की जा चुकी है। 13 योजना पूर्ण हो चुका है, 9 योजना का कार्य कर चुका है। इसका अतिरिक्त और ऊर्जा पर आधारित लगभग 500 ग्रामीण एवं ग्राम जिला प्रति योजना का भी कार्य कर रहा है। ग्रामीण के सारी गरीब एवं निर्धन महिलाओं का प्रस्तावन में लगभग पकाने का अवसर मिले, इसके लिए जिला के लगभग 1 लाख परिवार को रसोई गैस एवं जिला उज्ज्वला योजना का कार्य किया गया। उनके घर घरों तक बिजली आपूर्ति का व्यवस्था किया गया। भ्रष्टाचार को व्यवस्था बनाने के लिए लोक सेवा से संबंधित कार्य विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्गमन, खासकर स्टैक तथा अनाज वितरण आदि ऑनलाइन संवाद किया कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी यदि किसी सेवा को प्राप्त करने में कठिनाई हो तो वैसे उच्चाधिकारी से शिकायत करें तथा सेवा देने में गारंटी आदि में मान्यता किया राष्ट्रीय स्तरीय अधिनियम गठित कर 1000 महिलाओं को सड़क और उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से विशेष कार्यक्रम जिला का रेडियो उपक्रम हो ये तक राज्य के किसान रेसिपी के संबंध लगभग 300 महिलाओं को ये सीमित माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के उनको सरकारी विद्यालय में अजय 5 लाख छात्रों को पोस्टर की सिलाई करने का काम जिला का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराया गया। इससे महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा तथा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पोस्टर पुस्तक में उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था को विस्तारित कर और भी महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कराया जा सके। बेरोजगार एक प्रमुख समस्या, इस समस्या का निराकरण केवल सरकारी नौकरी प्रदान करने नहीं किए जा सकते, लोगों को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चल रहा है। मनरेगा के तहत 8 लाख से भी अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया। मुद्रा बैंक के 2 वर्ष में 19,000 से भी अधिक व्यक्तियों को द्वारा 18,000 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित किया है। तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 100 युवकों को 4 करोड़ का अनुदान रूम लीडर उद्योग प्राप्त कराया गया, जिससे 1,000 युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। केंद्रीय उर्वरक कार्यक्रम का कार्यक्रम के तहत जिले पूर्ण होने से जिला में युवकों को रोजगार अवसर प्राप्त हुआ। जिले में उद्योग व्यवसाय स्थापित करने का उत्तम वातावरण है। उद्योगों से आग्रह है कि वे आगे आए उद्योग और व्यवसाय स्थापित कर जिला को सौजन्य में खुशहाल बनाने का अपने योगदान दिया। विकास को शांति संवाद एवं आपसी भाईचारे से गति मिलती है। पुलिस प्रशासन इसे कायम रखने के लिए कटिबद्ध है। आइए धन मन धन से योगदान कर राष्ट्र के सहयोग बने। जय हिंद जय।